का हमारा विषय है अपनी खोज। बहुत ही सुंदर विषय है। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक जगत बाह्य जगत है और एक भीतरी जगत है। दोनों जगत मिलकर के होलिस्टिक होते हैं तब हमारा जीवन का कोई भी कार्य होता है। अगर दोनों में से एक जगत मिसिंग हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं बन सकता, हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं बन सकता। तो पहले हम बाह्य जगत की बात करते हैं। तो बाह्य जगत के अंदर हम क्या है, खोज करते हैं। किस चीज की खोज करते हैं कि जब बच्चा 11th क्लास, मान लो जिसने पार्क ये जिसने 10th पास कर लिया और 11th के अंदर जब आता है तब वो खोज करता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि सीए बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि मुझे नेता बनना है या अच्छी गृहिणी बनना है, मुझे क्या बनना है। ये उसका चिंतन वैसे 9th में ही चालू हो जाता है, लेकिन वह 9th और 10th में पढ़ के 11th में परिणति होता है। 11th के अंदर देखिए जो हमारा भारतवर्ष का स्कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर कितनी ब्रांचेस निकलती है, साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायोलॉजी, ये तो साइंस की दो ब्रांच है, और उसके बाद के अंदर कॉमर्स ब्रांच होती है और फिर आर्ट्स ब्रांच होती है। ये मुख्य रूप से चार बड़ी ब्रांचेज है और इन चार ब्रांचेज में आजकल हजारों ब्रांच निकल गई है। कैसे कि साइंस मैथमेटिक्स किया हुआ व्यक्ति वो 11th के अंदर IIT इत्यादि करके और वो इंजीनियरिंग लाइन के अंदर जाता है। अब एक इंजीनियरिंग लाइन में सैकड़ों हजारों हजारों आजकल जो है अलग इंजीनियरिंग की लाइन हो गई, सिविल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है, पेट्रोलियम है, एरोनॉटिक्स इत्यादि इत्यादि, और जो हमारी साइंस बायोलॉजी है उसके अंदर मेडिकल लाइन निकलती है, और बच्चा जो है NIT वगैरह करके और वो मेडिकल के अंदर एडमिशन लेता है तो वो डॉक्टरी लाइन में जाता है। वो डॉक्टरेट की हजारों हजारों मेडिकल लाइन की आजकल जो है मेडिसिन है और सर्जरी, उसके अंदर हजारों हजारों लाइन निकल गई है। ये तो साइंस मैथमेटिक्स साइंस बायोलॉजी की बात हो गई, और बच्चा खोज करता है कॉमर्स की लाइन में CA है, CS है, और जो है आपका MCOM है, BCOM है, अकाउंट्स है, उसमें भी हजारों लाइन है, और चौथा जो है हमारी आर्ट्स की लाइन में उसमें उसमें ह्यूमिनिटी है, फिलोसॉफी है, योग है, एजुकेशन है, और सैकड़ों लाइन है, और उसके अंदर जो है कई लोग जो है वह कंपटीशन में बैठते हैं, RAS में बैठते हैं, IAS में बैठते हैं इत्यादि इत्यादि। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा खोज करता है, किसकी खोज करता है, अपने कैरियर की खोज करता है, और वो उसका जो इंटरेस्ट जो भीतर से होता है अगर उसको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, माता पिता का प्रेशर नहीं रहे, तो वो सही चुनाव करता है। इसलिए बच्चे को हमेशा स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर जो है आप स्टडी करो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस लाइन के अंदर, बच्चा बिजनेस में जाना चाहता है, बच्चा नौकरी करना चाहता है, बच्चा फैक्ट्री लगाना चाहता है, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। ये तो सब बाहरी खोज की मैं बात करता हूँ, तब वो जाकर के सही निर्णय करके और उस लाइन में घुस जाता है, और उस लाइन के अंदर धीरे 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 पूरे जिंदगी की प्रोग्रेस कर लेता। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसी बच्चे ने जो है इंजीनियरिंग जो है IIT में जो है उसके अंदर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का एडमिशन ले लिया, अब वो उस लाइन में भीतर घुसता जाता है, कंप्यूटर की स्टडी करता है, IT की इन्वेस्टिंग करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है, कई सैकड़ों लाइन कंप्यूटर की खुल गई है, तो कंप्यूटर की खुलते करते वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, या घर का जो है वो कंप्यूटर का काम लगा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, या क्या करता है, उसकी जो उसका रुझान जो रुचि होती है त्यों त्यों आगे से आगे बढ़ता जाता है। ये सारी खोज है, ये बाहरी खोज है। उसी तरीके से कोई नेतागिरी में जाता है तो शुरू में वार्ड पंच बनता है, फिर उसके बाद के अंदर वह सरपंच बनता है, फिर उसके बाद में MLA बनता है, फिर MP बनता है, और फिर जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर बनता है या स्टेट मिनिस्टर बनता है, या स्टेट के अंदर रहता है तो वो उस राज्य का मंत्री बनता है, या मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, उस लाइन के अंदर जाता रहता है क्योंकि उसका रुझान है और उस लाइन के अंदर जाता है। अब प्रश्न देखिए,
ये सारी हमने खोज की बात की, और आज के खोज के इतने विस्तृत साधन होते हैं। गूगल एक बहुत बड़ा भंडार है, गूगल के अंदर कोई चीज डाली जाती है तो उसका पूरा डिटेल पूरा विस्तार मिल जाता है। आपको कोई भी मोबाइल परचेज करना हो तो उसकी सैकड़ों सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों सैकड़ों रेटें, सैकड़ों सैकड़ों उसके फंक्शन जो है आपको जो है गूगल के माध्यम से, सर्च के माध्यम से मिल जाते हैं। ये सारा करिश्मा है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का है। उसने बहुत आसान कर दिया है कि गूगल एक ऐसा भंडार विश्व का बन गया है जिससे हम हर चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, कोई भी हम गहराई में जाकर के उसको सर्च करते हैं। सारी खोज है।